सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं दीपक, स्वागत करता हूं आप सभी का। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले बड़ा टेक्निकल पे लेके आते रहता हूं और कोशिश करता हूं कि सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से आपके सामने में प्रस्तुत करूं। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कम्युनिटी टैब के बारे में। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये इन्फॉर्मेशन है और उन सभी यूजर्स के लिए जो कम्युनिटी टैब के बारे में नहीं जानते हैं या फिर जानने की इच्छा रखते हैं जो कम्युनिटी टैब आखिर होता क्या है, ये कैसे लिया जा सकता है, इसके लेने के क्या फायदे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है इन सभी यूजर्स के लिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं जो कम्युनिटी टैब आखिर होता क्या है। सर फ्रेंड्स, कम्युनिटी टैब जो है ये YouTube की तरफ से मिलने वाला एक जो है फैसिलिटी है जो आप ले सकते हैं जब आपके 1K सब्सक्राइबर जो है अचीव हो जाता है। यानी कि अगर आप YouTube पे चैनल चलाते हो, ठीक है, तो आपको जो है YouTube की तरफ से कम्युनिटी टैब जो है आपको मिलती है और इसे आप उस तरीके से यूज कर सकते हो जब आपके 1K सब्सक्राइबर अचीवमेंट हो जाए। तो मेरा 1K सब्सक्राइबर अभी अचीवमेंट हो चुका है, तो अभी हमको YouTube की तरफ से जो है कम्युनिटी टैब मिल जाएगा। इसके लेने के क्या फायदे हैं फ्रेंड्स? इसके लेने के आपको बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको 2-3 को बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप इसे ले लेते हैं तो फ्रेंड्स आप अपनी रेगुलरिटी को जो है YouTube पे दिखाने में बिल्कुल अच्छी तरीके से सक्षम हो जाते हैं। यानी कि आप कितने बजे वीडियो पोस्ट करने वाले हो या फिर आप कितने बजे लाइव आने वाले हो, सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने YouTube के रिलेटेड वो जो है और अपनी रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप पोस्ट के जरिए YouTube पे प्रोवाइड कर सकते हो और इससे आपका जो है YouTube पे आपके जितने भी सब्सक्राइबर है वह कितने एक्टिव है आपके प्रति, यानी कि आपके चैनल के प्रति कितने एक्टिव है, वो सारी जो है आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो काफी फायदा ये कम्युनिटी रिपोर्ट जो है आपके लिए, आपके चैनल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड चीज, अगर आप इसे ले लेते हो तो यानी कि आपको जो है ये मिलेगा कैसे, तो ये समझ गया है कि आपके 1K सब्सक्राइबर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको जैसे कि बताया था कि आखिर कम्युनिटी टैब जो है वो मिल कैसे सकता है, तो 1K सब्सक्राइबर होना चाहिए, ठीक है, और इसे आप लेने के क्या फायदे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसे मिल कैसे किसको मिल सकता है जिसके पास 1K सब्सक्राइबर होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप इसे ले कैसे सकते हैं। अभी मैं आपको लेके दिखाऊंगा कि कम्युनिटी टैब जो है कैसे इनेबल किया जाता है, YouTube के इस फंक्शन को कैसे आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काफी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है और हो सके फ्रेंड्स आप इस पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप ही के सब्सक्राइबर और लाइक पे ही ये वीडियो जो है मैं बना पाता हूं और आप ही इसी लाइक से ही उत्साह मिलता है कि आगे आगे नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कम्युनिटी टैब जो इनेबल कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या लिखना होता है पूरा कम्युनिटी टैब को इनेबल करने में और कैसे आप इसे जीमेल कर सकते हैं। यानी कि ईमेल आप कीजिएगा YouTube और YouTube जो है आपका कम्युनिटी टैब इनेबल कर देगा। चलिएगा देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलिए बात करते हैं कि कम्युनिटी टैब को इनेबल कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी ईजी है और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ही केयरफुली से इस वीडियो को देखना है। फ्रेंड्स, आपको YouTube ओपन करेंगे, जैसे ही आप YouTube को ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने में जो है पूरा इंटरफेस नज़र आ जाएगा। आपको क्या करना है तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जो है YouTube लोगो पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ साइन करके, आपको यहाँ पे YouTube लोगो है फ्रेंड्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर फ्रेंड्स क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स आपका जो है यहाँ पे योर चैनल का यहाँ पे नाम का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिएगा योर चैनल का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स आपका जो है पूरा चैनल का इंटरफेस नजर आ जाएगा। आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है सबसे ऊपर में, मैं आपको साइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 डॉट है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से शेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपना यूट्यूब यानी आपका चैनल का जो है लिंक वो कॉपी करके कहीं पर सेव करके रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको मैं आगे में बताऊँगा कि इसका क्या काम होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जैसे ही इसका कॉपी करके आपको कहीं पे सेव कर लीजिए आपका नोटपैड में, और जैसे ही आप इसको सेव कर लेते हो तो फ्रेंड्स आपके सामने में फिर से पीछे आइएगा, आप पीछे वाले इंटरफेस में जाइएगा तो फ्रेंड्स आपको फिर से लोगो पे क्लिक करना है। जैसे आप लोगो पे क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स आपके सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है दिखाई देता हूँ मैं, हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, हेल्प एंड फीडबैक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने में एक न्यू इंटरफेस जो है वह देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगा, साइन करके दिखा देना चाहता हूँ, ये सेंड एंड फीडबैक है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस सेंड एंड फीडबैक पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने में पूरा जो है एक इंटरफेस देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आपको क्या लिखना है, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा और वहाँ से आप कॉपी करके जो है यहाँ पे कर सकते हो पूरा काम। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है तो वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ नोटपैड से, और नोटपैड से कॉपी करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही यहाँ पे मैं आया हूँ नोटपैड में, और नोटपैड में मैंने पहले से ही सब कुछ करके रखा हुआ है जैसे कि पूरा ज़्यादा समय नहीं लगे, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के रखा हुआ हूँ तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी इजी है, मैं आपको इसे भी डिस्क्रिप्शन में लिख के दे देता हूँ तो जैसे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद डायरेक्ट वहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स,
तो सेकंड फ्रेम पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं लिखा हुआ क्या, हेलो यूट्यूब टीम, माय यूट्यूब चैनल बड़ा टेक्निकल इज अचीव 1000 सब्सक्राइबर, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर मेरा यूट्यूब चैनल जो है वह प्राप्त कर लिया है, बट नोट इनेबल कम्युनिटी पोस्ट एंड लाइव स्ट्रीम, अभी तक मेरा जो है कम्युनिटी पोस्ट और लाइव स्ट्रीम जो है वह इनेबल नहीं हुआ है, सो प्लीज़ इनेबल एंड हेल्प मी, इसका इनेबल कीजिए और मेरी मदद कीजिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको पूरा जो है लिख के यहाँ पे दे दिया है, और आपको ये मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल का लिंक जो आप कॉपी करके रखे हुए थे वहाँ से कॉपी, मैंने नोटपैड में कॉपी करके रखा हुआ है तो मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आप भी कॉपी करके रखे होंगे फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप वहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ से देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे कॉपी करेंगे कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है योर यूट्यूब चैनल, यानी कि माय यूट्यूब चैनल लिंक, यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दिया जैसे कि कोई अच्छी तरीके से हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपका यूट्यूब चैनल का भी यहाँ पे लिंक जो है वह पेस्ट हो चुका, और यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल का नेम भी आपको लिख देना है, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बड़ा टेक्निकल, तो मैं लिख देता हूँ BADA, ठीक है, टेक्निकल, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नेम भी लिख दिया है, और यहाँ पे आपको नीचे में थोड़ा जाना है और यहाँ पे लिख देना है थैंक्स, ठीक है। तो इतना चीज़ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको भेजने का ऑप्शन आएगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ साइन करके, ठीक है, आपको मैं आपको साइन करके दिखा दूँ जिससे आपको कोई दिक्कत हो, आपको यहाँ पे देना, जैसे यहाँ पे आपको जो है भेजने का ऑप्शन आएगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है इसको ईमेल को भेज देना है, तो जैसे आप इसको भेजेंगे तो फ्रेंड्स आपको थैंक्स फॉर द फीडबैक के करके आ जाएगा, यानी कि आपका जो है वह भेजा जा चुका है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको लिए कितनी हेल्पफुल हुई आप तो समझ ही गए होंगे, तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना इस वीडियो को भूलिएगा नहीं, जैसे कि लाइक और सब्सक्राइब से ही हमको उत्साह मिलते हैं, जैसे कि मैं आपके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो से बड़ा टेक्निकल बनाते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप बड़ा टेक्निकल सपोर्ट कर सकते हैं।